नमस्कार, NIOS के इस प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं जैन बालिया, आज इस परिचर्चा में हमारे साथ डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा जी हैं, जो हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से आए हुए हैं। वो आज एक परिचर्चा जो बहुत महत्वपूर्ण है विश्व स्तरीय और हमारे भारतवर्ष में जो हमारा नवीन पाठ्यक्रम बना है उसमें भी इस पर चर्चा होती है, वो है संरचनावाद। इस पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा जी को। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, सर्वप्रथम हमको आप ये शिक्षार्थियों को बताने का प्रयास करें कि संरचनावाद क्या है और इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या, ये बताने का प्रयास करें, और शिक्षण विधि में इसको हम किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद डॉक्टर वालिया। जैसा कि आपने परिचय सत्र में ही बताया कि आजकल संरचनावाद को लेकर नीतिगत दस्तावेज और सिद्धांतों में लंबी चर्चाएं हो रही हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संरचनावादी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इस विषय की प्रस्तावना करने से पूर्व आपको थोड़ा शिक्षण अधिगम की चुनौतियों से परिचित कराना चाहूँगा। इन चुनौतियों से हम सभी परिचित हैं, लगातार शोध में, बैठकों में, नीतियों में इस बात की चर्चा होती है कि कक्षा में प्रस्तुत सामग्री विद्यार्थी की दुनिया और उसके रोजमर्रा के अनुभवों को संज्ञान में नहीं लेती। इसे असंबद्ध सूचनाओं के रूप में प्रस्तुत और याद किया जाता है। ज्ञान के संदर्भ में क्या है के प्रश्न को तो हमारा शिक्षण संबोधित करता है, लेकिन क्यों है और कैसे है जैसे प्रश्न उपेक्षित रह जाते हैं। प्रायः अध्यापक या कोई अन्य वयस्क विषय का जानने वाला होता है जो विद्यार्थियों में सतत रूप से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। इस कारण से नीति, सिद्धांत और अभ्यास में पैरवी की जा रही है कि विद्यार्थी को उसके परिवेश का सक्रिय भागीदार मानते हुए शिक्षण अधिगम का आयोजन किया जाए। उसके अनुभव, विचार, विश्वास और परिप्रेक्ष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। विद्यार्थी नए अनुभवों को ग्रहण करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए शिक्षण अधिगम इस प्रकार का हो कि उन्हें अधिक से अधिक नए अनुभव प्रदान किए जाएँ। विद्यार्थी हर नए अनुभव को ज्यों का त्यों न ग्रहण करके बल्कि उसकी पुनर्संरचना करते हैं और सीखने की प्रक्रिया वैयक्तिक होने के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। तो जो हमारा परंपरागत शिक्षण प्रतिमान है और उसमें जिस प्रकार का हम बदलाव चाहते हैं उस अंतराल की पूर्ति संरचनावाद के सिद्धांत करते हैं। इसलिए हम आजकल यह मानने लगे हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया संरचनावादी होनी चाहिए। संरचनावाद कुछ आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है, जैसे मानव को उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण के अन्वेषणों द्वारा ज्ञान की रचना करने वाले के रूप में देखता है। ज्ञान एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होने के बजाय बहुल और संदर्भ निष्ठ होता है। बच्चा स्वयं ही जगत के ज्ञान तथा समझ का निर्माण करता है। उसकी ज्ञान निर्मिति का आधार उसके अनुभव तथा उन अनुभवों पर किया जाने वाला मनन है। मैंने संरचनावाद की जिन आधारभूत मान्यताओं का उल्लेख किया, इससे सीखना क्या है कि हमारी समझ में भारी बदलाव आते हैं। संरचनावाद की मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान का हस्तांतरण नहीं किया जाता, बल्कि ज्ञान का पुनर्निर्माण होता है। ज्ञान का पुनर्निर्माण करने वाला बालक सक्रिय ज्ञान निर्माता है, अर्थात वह कोई कोरी स्लेट नहीं जिस पर शिक्षक द्वारा लिखा जाए, बल्कि वह कक्षा में पूर्व निर्मित ज्ञान, विचार और समझ के साथ आता है और शिक्षक इस पूर्व निर्मित ज्ञान, विचार और समझ के साथ विषय को संलग्न करने का कार्य करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि संरचनावाद मानता है पूर्व निर्मित ज्ञान कच्ची सामग्री है, अर्थात नए ज्ञान की रचना के लिए इस कच्ची सामग्री को संज्ञान में लेना, उसकी पुनर्रचना, पुनर्नियोजन, पुनर्व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बार बार मैं पूर्व ज्ञान को जिस कच्ची सामग्री के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप यह मानकर चलिए कि 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था में विद्यालय प्रवेश करने से पूर्व विद्यार्थी पर्याप्त अनुभव ले चुका होता है। विद्यालय का काम उसके इन अनुभवों को संज्ञान में लेते हुए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर प्रदान करना है, न कि उसे इस प्रकार का माहौल प्रदान करना है जहां उसे उसके ये अनुभव व्यर्थ जान पड़ें और आप विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया को शून्य से प्रारंभ करें। वस्तुतः संरचनावाद मानता है सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के बालक रूप में जन्म के साथ प्रारंभ हो जाती है और उसकी इस प्रक्रिया के विकास में विद्यालय की एक भूमिका
होती है। विद्यालय की यह भूमिका अन्य परिवेशों के समान महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यालय ही एकमात्र भूमिका निर्धारक है, इस मान्यता को संरचनावाद खारिज करता है। डॉक्टर मिश्रा, अभी आप जो बात कर रहे हैं इसकी आधारभूत मान्यताओं की, तो उसमें इन मान्यताओं के आधार पर यह भी चर्चा होती है कि व्यक्तित्व संरचनावाद और जो हमारा सामाजिक संरचनावाद है, इन पर भी मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें। इन दोनों में अंतर क्या है और किन किन परिस्थितियों में क्या ये छात्र की या उस स्थिति की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि हम किस स्थिति में हम व्यक्तित्व संरचनावाद और किस स्थिति में हम सामाजिक संरचनावाद का प्रयोग लाएं, तो इस पर भी आप संक्षिप्त में प्रकाश डालें। डॉक्टर वालिया, आपने व्यक्तित्व निर्माणवाद और सामाजिक निर्माणवाद या संरचनावाद की चर्चा की। अब तक मैंने जिन निर्माणवाद से संबंधित मान्यताओं का जिक्र किया, उसे हम मोटे रूप से दो बिंदुओं के रूप में समझ सकते हैं। सीखने वाला सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, पहला बिंदु, और दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और अंतःक्रियाएं ज्ञान निर्माण के अभिन्न अंग हैं। संरचनावाद की पहली मान्यता, सीखने वाला सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, कहीं न कहीं व्यक्तिगत संरचनावाद से जुड़ी हुई हैं, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और अंतःक्रियाएं ज्ञान निर्माण के अनुभव अभिन्न अंग हैं। यह मान्यता सामाजिक सांस्कृतिक संरचनावाद से जुड़ी हुई हैं, जहां व्यक्तिगत संरचनावाद में व्यक्ति उसके अनुभव और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं सामाजिक संरचनावाद में माना जाता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में स्थापित सक्रिय करता है। वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपकरणों को आत्मसात करता है। व्यक्तिगत निर्माणवाद में ज्ञान अनूठा और व्यक्तिक होता है, जबकि सामाजिक निर्माणवाद में ज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में स्थापित होता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक संरचनावाद या निर्माणवाद कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर की बात करता है, अर्थात सीखने वालों का समूह या अभ्यासकर्ताओं का विशेष समूह। उदाहरण के लिए, हम सभी शिक्षक एक खास प्रकार की कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जब पेडागॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे लिए एक सांस्कृतिक उपकरण है, जिसके अर्थ को सभी शिक्षक एक समान रूप से ग्रहण कर रहे होते हैं। लेकिन इस समुदाय के बाहर का कोई व्यक्ति पेडागॉजी से हमारा क्या आशय है तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसे हमारे अभ्यासों का परिचय न प्राप्त हो। इसी तरह विद्यार्थी भी एक से अधिक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर का हिस्सा होता है। उसके हम उम्र साथियों का एक समूह होता है, परिवार के सदस्यों का एक समूह होता है, विद्यालय में शिक्षकों के साथ वह विषय के उपसमूह का भी सदस्य होता है। उसके ये सभी अनुभव उसे सीखने का स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने ज्ञान का निर्माण करता है। सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की के विचारधारा के काफ़ी निकट है, और यदि मैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से शब्दावली का प्रयोग करके कहूँ, तो सामाजिक संरचनावाद मानता है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपकरण को सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में इन उपकरणों का वे प्रयोग वैसे ही करते हैं जैसे कोई कारीगर औजार का प्रयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करता है। इन उपकरणों में भाषा की भूमिका केंद्रीय होती है, अर्थात भाषा को सीखने का अर्थ है कि विद्यार्थी ने ऐसे सांस्कृतिक उपकरण का विकास कर लिया जिससे वे अपने विचारों का संप्रेषण कर सकता है। कंप्यूटर या कैलकुलेटर इसी प्रकार के अन्य उपकरण हैं जिनके प्रयोग द्वारा वह गणना की संक्रिया को सीखता है। इन उपकरणों में कुछ मनोवैज्ञानिक उपकरण भी होते हैं जिसके माध्यम से वह अपने विचारों का पुनर्निर्माण करता है। सामाजिक संरचनावाद सीखने के दो तल को स्वीकार करता है, अर्थात व्यक्ति पहले अपने सहभागियों के साथ अंतर्वैयक्तिक तल पर अनुभवों को आत्मसात करता है और अंतरावैयक्तिक तल पर उनका पुनर्निर्माण करता है। यह अंतर्वैयक्तिक तल से अंतरावैयक्तिक तल की ओर बढ़ना एक प्रकार से ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को समझना होता है। यदि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ही मैं एक अन्य उदाहरण निकटस्थ विकास का क्षेत्र लेकर सामाजिक संरचनावाद को समझाऊँ, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य कर सकता है जिसमें उसकी दक्षता होती है। यह उसके सीखने का न्यूनतम स्तर हुआ, लेकिन उसमें एक उच्च स्तर तक उस कार्य के निष्पादन की भी क्षमताएं होती हैं, जो सीखने का उच्च स्तर हुआ। किस प्रकार से उसे इस न्यूनतम स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रेरित किया जाए, गतिशील किया जाए, इसमें शिक्षक की भूमिका केंद्रीय होती है। और जो वह कर सकता है उसका न्यूनतम स्तर, जो कर सकने की संभावना है उसके उच्चतम स्तर के बीच के क्षेत्र को हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और इस न्यूनतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर गति होना या अधिगम होना हमारे लिए ज्ञान के निर्माण के समतुल्य है। निकटस्थ विकास के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी को स्कैफोल्ड करने की, अर्थात सहारा देने की होती है,
जो प्रत्यक्षता ज्ञान नहीं प्रदान करता लेकिन लगातार विद्यार्थी का मार्गदर्शन करता रहता है कि वह स्वयं कैसे अपनी क्षमताओं का आत्मसातीकरण कर सकता है। इस दौरान वह सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के उसके अनुभवों का लगातार उपयोग करता रहता है। बहुत अच्छा आपने डॉक्टर ऋषभ मिश्रा बताया कि किस तरह से जो हमारा एक संरचनावाद है और उसमें व्यक्तिगत संरचनावाद और सामाजिक संरचनावाद में भेद क्या है, अंतर क्या है। मैं आग्रह करूंगा आपको डॉक्टर ऋषभ कि आप ये हम सभी शिक्षार्थियों को बताने का प्रयास करें कि ये जो हमारी संरचनावाद कक्षा है इसका विकास कैसे किया जाता है, कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। क्या इसके कुछ अलग अलग चरण होते हैं, क्या कुछ सोपान होते हैं जिसकी सहायता से हम संरचनावाद या जो एक कक्षा है या कक्षा है वो इस के ऊपर आधारित कक्षा का विकास हम कर सकते हैं। संरचनावाद के सिद्धांत का कक्षा के शिक्षण में क्रियान्वयन एक सरल साथ ही साथ कठिन प्रक्रिया है। सरल इस संदर्भ में कि आप विद्यार्थी को ज्ञान निर्माता मान रहे हैं, कठिन इस संदर्भ में कि आपको शिक्षण के लिए गतिविधियों का नियोजन थोड़ा सावधानी के साथ करना है, उसकी योजना बनाने में विद्यार्थी के संदर्भ और उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं दोनों को ध्यान में रखना है। जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि संरचनावाद मानता है कि विद्यार्थी एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है, वह अपनी दैनंदिन गतिविधियों के द्वारा ज्ञान का सतत निर्माण कर रहा होता है। अतः विषय से संबंधित अधिगम के पूर्व विद्यार्थी के दैनंदिन ज्ञान को हमें जानना चाहिए। कक्षा का प्रारंभ ऐसी गतिविधि और क्रियाकलाप से किया जाना चाहिए जिससे हम विद्यार्थी के दैनंदिन ज्ञान को जान सकें। इसके साथ साथ हमें विद्यार्थी के परिवेश, संदर्भ और संस्कृत के आयामों को भी समझने की आवश्यकता है। उसकी बोलचाल की भाषा, मातृभाषा, उसके परिवेश के उदाहरण इत्यादि से यदि शिक्षक परिचित होता है तो उसके लिए विद्यार्थी को ज्ञान निर्माण का अवसर उपलब्ध कराने में सरलता होती है। संरचनावाद का सिद्धांत यह भी मानता है कि विद्यार्थियों को कक्षा में यथार्थ मूलक समस्याएं दी जाएं, जिसके समाधान का केवल एक तरीका न हो, अर्थात कक्षा में कृत्रिम परिस्थितियां पैदा करने के बजाय उन समस्याओं और उन उदाहरणों को सुना जाए जो विद्यार्थी वास्तव में अपने जीवन में देखते सुनते आए हैं, जिसके वे भागीदार रहे हैं। ऐसा करने से आप उन्हें संज्ञानात्मक रूप से उद्दीप्त करते हैं, साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों को भी कक्षा में आमंत्रित करते हैं। हाँ, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस स्थिति में आप किसी एक मात्र सही उत्तर की ओर कक्षा को नहीं ले जा सकते, बल्कि विद्यार्थी के उत्तर सही हों या गलत, उन्हें दोनों को कक्षा चर्चा का हिस्सा बनाना चाहिए। इस प्रकार से आप कक्षा में एक मौका विकसित करते हैं जहां विद्यार्थी के पूर्वाग्रहों, उनकी वैकल्पिक अवधारणाओं, परिप्रेक्ष्यों के ऊपर विचार करने की क्षमता विद्यार्थी में आप स्वयं पैदा करेंगे और आपकी भूमिका सुगमकर्ता की होगी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि संरचनावाद की जो दूसरी धारा है, सामाजिक संरचनावाद, वह बार बार मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपकरणों की बात करती है। इसलिए एक संरचनावादी कक्षा में नाना प्रकार के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपकरण प्रयुक्त किए जाने चाहिए। इन उपकरणों के प्रयोग का लाभ यह होता है कि विद्यार्थी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए और अपनी समझ को संप्रेषित करने में दक्ष होता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी यदि एक पेन से लिखना सीखता है और एक कैलकुलेटर से जोड़ना सीखता है तो ये दोनों उसके लिए दो भिन्न प्रकार के उपकरण हैं जो अलग अलग प्रकार की संक्रियात्मक योग्यताओं को एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर पे कुछ सर्च करना और अखबार में कुछ सर्च करना दो अलग अलग प्रकार के उपकरणों द्वारा विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं और ज्ञान निर्माण की परिस्थितियों को प्रेरित करना है। एक शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि उसकी कक्षा में नाना प्रकार के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संसाधन शामिल हों। नाना प्रकार के उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ कक्षा में समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समूह कार्य को बढ़ावा देने का लाभ यह होता है कि आप विद्यार्थी को केवल उसके विचारों तक सीमित रखने का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसे दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझने और निगोशिएट करने का भी अवसर दे रहे हैं। संरचनावाद की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि ज्ञान जब समूह में निर्मित होता है तो वहाँ विचारों की भागीदारी का दायरा बढ़ जाता है और विचारों के समूह में से एक विचार पर लोगों की सहमति बनती है, जिससे उनके बीच यह गुण विकसित होता है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति और उसकी भागीदारी को कैसे समूह में प्रस्तुत किया जाए।
संरचनावाद के अंतर्गत शिक्षण करते वक्त शिक्षक स्कैफोल्डिंग का कार्य करते हैं, अर्थात वह विद्यार्थी को समाधान न बताकर समाधान खोजने की दिशा में अग्रसर करें। शिक्षक की यह भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह कक्षा में किस प्रकार से संवाद को बनाए रखे। इसके लिए शिक्षक अलग अलग प्रकार की युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे कक्षा का परंपरागत मॉडल, जिसमें हम प्रश्न उत्तर और उत्तर की प्रतिपुष्टि का प्रयोग करते हैं, संरचनावाद उससे आगे बढ़ने की बात करता है और यह प्रयास करता है कि किस प्रकार कक्षा की चर्चा में लगातार विद्यार्थियों की भागीदारी बनी रहे, उनके पूर्व ज्ञान आएँ, उनके विचार आएँ, जिन जो नई सूचनाएँ उन्होंने ढूंढी हैं, जिन नए संसाधनों को उन्होंने पहचाना है, वह केंद्रीय विचार के साथ सम्मिलित होकर कक्षा को लाभान्वित करें। कक्षा का संवाद परक होना, कक्षा में भागीदारी होना, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व शिक्षक को स्वयं स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए उसे इसके फोल्डिंग की युक्तियों का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। इसके फोल्डिंग के माध्यम से ही शिक्षक ये तय कर सकता है कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी उस कक्षा में दायित्व स्वीकार करके सीखने की ओर आगे बढ़ें। संरचनावादी कक्षा में अध्यापक के पास यह संभावना और अवसर होता है कि वह विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा को संबोधित कर सके। ऐसा प्रायः विज्ञान की कक्षा में देखा गया है कि विद्यार्थी वैज्ञानिक अवधारणा के साथ साथ अन्य समांतर अवधारणाएं भी लेकर आते हैं, जो उनके रोजमर्रा के अनुभवों की उपज होती है। कक्षा में इन्हें संबोधित करने के लिए संरचनावादी उपागम काफ़ी हद तक मददगार हो सकता है। संरचनावादी उपागम के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि आप विद्यार्थियों को मनन का अवसर दें। विद्यार्थियों को मनन का अवसर देना उन्हें अपने विचारों में अंतराल, विस्तार और सहमति असहमति का मौका प्रदान करता है, अन्यथा उनके सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं। या तो वे पुस्तक की बात को ज्यों का त्यों मान लें, शिक्षक की सलाह लें, लेकिन खुद मनन करने से वे इस आत्मविश्वास से भी प्रेरित होते हैं कि वे सक्रियकर्ता हैं। एक सक्रियकर्ता के रूप में उनकी एक वॉयस है, इस वॉयस को वे कक्षा में उठा सकते हैं। शिक्षक उन्हें सुनेगा, उन्हें ज्ञान निर्माण का अवसर देगा और यह निर्मित ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ न होके बल्कि कम्युनिटी या प्रैक्टिशनर के बीच में स्वीकृत होने वाला ज्ञान होगा, जिसे वे उसी दावे और जिम्मेदारी के साथ प्रकट कर सकते हैं जैसे कोई एक विशेषज्ञ करता है। इस प्रकार से संरचनावाद जानने वाले और न जानने वाले के बीच अंतराल को भी पाटने का कार्य करता है। हाँ, ये अवश्य है कि संरचनावादी शिक्षण में हमें लगातार आकलन के निर्माणात्मक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ऋषभ मिश्रा से, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में हम सभी को ये बताया, इस पर चर्चा करी कि संरचनावाद क्या है, व्यक्तिगत संरचनावाद क्या है, सामाजिक संरचनावाद क्या है और किस तरह से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, किन सावधानियों का ख्याल रखना है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा कि आप इस जो आपने हमारे साथ ये परिचर्चा की, भाग लिया, इसको एक कुछ संक्षिप्त में इसका सार प्रस्तुत करें जो कि हम सभी के लिए बहुत लाभकारी हो। धन्यवाद डॉक्टर वालिया। मैं अपनी चर्चा के सार को निम्नलिखित बिंदुओं से प्रकट करना चाहूँगा। नवीन ज्ञान का निर्माण तभी संभव है जब इसे पूर्व निर्मित ज्ञान से जोड़कर सीखा जाए। सीखना संदर्भ आधारित होता है, यानी बच्चा जो जानता है उसे उसे संदर्भ में आगे सीखने में मदद मिलती है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ बच्चा अन्य साथियों और शिक्षक के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर नए ज्ञान का निर्माण करता है। सीखने की प्रक्रिया में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीखना क्षणिक नहीं होता, वरन सार्थक अधिगम के लिए विचारों पर लगातार मनन करना चाहिए और उन्हें आजमाने और प्रयुक्त करने की जरूरत भी होती है। सीखने के कारणों को जाने बिना बच्चा सीखने की प्रक्रिया में समावेशित नहीं हो सकता। कुल मिलाकर शिक्षा में संरचनावाद विद्यार्थी की छवि को एक ज्ञान निर्माता की देखता है, जिसके पास उसके अनुभवों की पूंजी है। उसके अनुभवों की इस पूंजी का शिक्षक तरह तरह की युक्तियों द्वारा कक्षा में निवेश करता है, विषय के साथ संबद्ध करता है, अपनी विषय की दक्षता और शिक्षण शास्त्रीय दक्षता से उनका एक नया रूप, उन्हें एक नया रूप प्रदान करता है और कुल मिला के विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान निर्मित करने का अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद डॉक्टर ऋषभ मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पर चर्चा में भाग लिया और सभी शिक्षार्थियों के लिए एक बहुत लाभकारी एक आपने सूचना दी कि किस तरह से हम संरचनावाद को प्रयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़ बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय।
अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहाँ क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा बाय। और बगला भगत, यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेंढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल लैश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या अक्ल मुझे भी है, मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई, 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे? बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, अब तो सुरिंदर की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ अरे अब मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोर जोर कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई है। मनीष बेटा ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख, स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले। अबे यार वहां हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है, 100-100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं तो, बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा, जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था गोली मारो उसे, उसकी भेजे में बात नहीं आएगी, उसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है।
और मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे उन्नास पीटे, अरे तू चला जा, एक तो चोरी ऊपर से सीना धोनी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं, आप जाओ। अरे अरे आ सत्यानाशी, चुप हो जा। मनीष मनीष बेटे, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी, बहुत बुरा किया तूने, तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पर रखेंगे। दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।